तो भाई लोग मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी लेकर और मेरे पास आ चुका है मेरी पहली सर्विस का बिल। और भाई मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि महिंद्रा की XUV 700 का ये बिल है पहली सर्विस का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यार इससे पिछली वीडियो में आपने देखा ना कि हमारी जो XUV 700 है वो महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे गई थी अपनी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। पर सर्विस तो हो गई, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं हुई, सर्विस 2-2.5 घंटे में हो गई। बट भाई जो मेरी गाड़ी से ड्राइवर साइड से जो एक लूज सस्पेंशन की चू चू सी आवाज आ रही थी ना, तो वो आवाज जो थी ना वो ऑफिशियल्स को सुनाई तो दे रही थी बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि यार ये आवाज आ कहां से रही है, किस पार्ट से आ रही है। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा था जो हमारा क्लच पैनल होता है ना कहीं उस जगह से आ रही है, बट एग्जैक्टली कहां है, क्या इश्यू है वो नहीं पता चल पाया। तो कल यार गाड़ी हमारे को छोड़नी पड़ी सर्विस सेंटर। बहुत मन बना के मैंने गाड़ी छोड़ी यार, मन ही नहीं करता छोड़ने का सच में। मतलब ऐसा लगता है कि 24 घंटे अपने पास रहे गाड़ी। तो कल हम 10:30 बजे पहुंचे थे सर्विस सेंटर, 11 बजे गाड़ी अंदर चली गई थी और 4:30 बजे हमारे को ऑफिशियल्स ने बोल दिया था कि भाई गाड़ी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम अभी तक पता नहीं चली है, गाड़ी रखनी पड़ेगी। अब उन्होंने मेरे को ये बताया था कि गाड़ी जो छोड़ के जा रहे हो वो वहां पे ये पूरा जो क्लच पैनल है ना ये पूरा बदलेंगे, रिप्लेस दूसरे पैनल से रिप्लेस करके चेक करेंगे कि क्या एग्जैक्टली पैनल से ही आवाज आ रही है या किसी और जगह से आ रही है। तो कल तक तो कोई आंसर नहीं था बट आज फाइनली, आज हमारा सेकेंड डे है, 24 घंटे बाद मेरे पास वहां से कॉल आ गया है। महिंद्रा जो एग्जीक्यूटिव असाइन हुए थे उन्होंने मेरे को कॉल करा और उन्होंने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी। उन्होंने बोला कि गाड़ी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है और रिजॉल्व भी हो गई है। तो भाई इतनी ज्यादा खुशी, मतलब मैं फूले नहीं समा रहा, इतना ज्यादा खुश हूं मैं। तो यार क्या प्रॉब्लम थी और क्या उसका सलूशन इन्होंने निकाला, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे, वहां देखते हैं कि गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने क्या ठीक करा। क्योंकि यार नई गाड़ी में जब ऐसी आवाज आनी शुरू हो जाए ना तो यार मन बहुत खराब होता है, क्योंकि यार 22 लाख की गाड़ी है, 22-23 लाख की गाड़ी, आवाज आनी शुरू हो गई 1000 किलोमीटर एक महीने के अंदर चू चू, तो मन खराब होने लगा है। बट अगर उन्होंने बोला कि ठीक हो गया तो चल के देखते हैं। तो यार बस 5 मिनट में अपना ये काम खत्म कर रहा हूँ, मेरी स्पिति ट्रिप चल रही है। अगर आपने फॉलो नहीं करी है तो अभी मेरे चैनल पर जाके मेरी स्पिति ट्रिप देखो, बहुत ज्यादा फन ट्रिप था, आप भी बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। बाकी ये खत्म करके मैं अपनी कैब बुक करता हूँ। तो यार कैब हमारी आ रही है बस 5 मिनट के अंदर और मेरा लैपटॉप मैंने कर लिया है, जो मेरा काम था अपलोड पे डाल दिया है। कल आपको मेरा 5th एपिसोड मिल जाएगा स्पिति ट्रिप का। एनीवेज यार मेरे को ना आज सुबह से कोल्ड हो रहा है एंड फीवरिश हो रहा है, तो अगर आपको मेरी आवाज और मेरी आंखें थोड़ी अजीब लग रही हैं तो कोई बात नहीं यार, आपके साथ एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही है कितनी भी तबीयत खराब हो। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो यार अपनी कैब आने वाली है यार, मैंने अभी देखा, पता नहीं यार ये किसने मार दिया है यार, मतलब 11 साल में मेरी गाड़ी कभी नहीं लगी, पता नहीं ये कौन मार के चला गया है, पापा से पूछना पड़ेगा, उन्होंने तो नहीं मार दी कहीं, पता नहीं यार पूरा गड्ढा हो गया है यार, मतलब ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है यार, बहुत ही गंदा। पर कोई नहीं भाई, मैं तेरे को ठीक कराऊंगा प्रियो, टेंशन मत ले। तो यार सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ कैब से, तो भाई मेरा सर्विस चार्ज तो ये है ही, 200 रुपये कल वापस घर आना और अभी वापस सर्विस सेंटर जाना, तो 400 रुपये तो मेरा सर्विस कॉस्ट आप लगा ही लो। हम आ चुके हैं यार फिर से महिंद्रा, 2 दिन में दूसरा चक्कर है हमारा महिंद्रा का। क्या हाल है भैया? आ तो चुके हैं महिंद्रा, और पर यार देखो ये है कि आज हमें पता चल जाएगा कि XUV की फर्स्ट सर्विस का क्या कॉस्ट है, प्लस जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी और जो ठीक हुई है उसके क्या कोई पैसे लग रहे हैं कि नहीं। वैसे लगने नहीं चाहिए क्योंकि यार अपनी गाड़ी ऑलरेडी वारंटी में है, पता नहीं यार कौन हॉर्न मार रहा है, बहुत शोर आ रहा है, अपनी गाड़ी ऑलरेडी वारंटी में तो पैसे लगने नहीं चाहिए। और भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये यार ये खड़ी है अपनी गाड़ी, मस्त एकदम साफ करके रखी हुई है, एकदम चमक रही है यार, प्यार है भाई मेरे को इस गाड़ी से। चलते हैं यार देखते हैं सर्विसिंग का कॉस्ट क्या है और जो ठीक हुई है प्रॉब्लम, पहले तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या थी, सल्यूशन क्या है और फिर क्या पैसे लग रहे हैं। तो यार मैं मिल लिया हूँ अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे रवि सर, उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बता दी है, प्रॉब्लम क्या क्या सल्यूशन किया है वो भी बता दिया है, क्या इनवॉइस जनरेट हुआ है, कितने पैसे लगे वो सब पता चल गया,
सब डिटेल्स मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर आया हूँ एक बार गाड़ी को इंस्पेक्ट करने, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें सही करने को बोली थी, तो एक बार चेक कर लेते कि वो सब काम हुआ है कि नहीं। यार एक ही जगह पे इतनी सारी गाड़ियां भर रखी हैं आपने, यहाँ जगह नहीं है चलने की बिल्कुल है। महिंद्रा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं फिर भी जगह नहीं रखी। गाड़ियां ज्यादा है, जगह कम है, इस बात को सभी कहते हैं, है ना महिंद्रा की। हाँ देख लिया मैंने कल, पूरा घूम लिया पूरा। हाँ देखा मैंने, मेरी गाड़ी कल एक घंटा तो बाहर ठीक हुई है। अच्छा तो क्लीनिंग पूरी हो गई ना? हाँ, तो ये गाड़ी है गाड़ी एकदम क्लीन लग रही है यार, गाड़ी तो एकदम साफ है अंदर से ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ निशान आ रहे थे, जैसे गम के निशान होते हैं ना, शीट हटी थी उसके निशान, तो ये हट चुके हैं। और भाई देख रहे हो जगह ही नहीं है, कैसे जाऊं भाई कैसे जाऊं। इधर से भी निशान हट चुके हैं, बहुत बढ़िया। और आगे ना एक कट आ रहा था, कट नहीं बेसिकली हल्का सा डेंट था, तो आई होप वो हट गया। अच्छा ये देखो हल्की सी टचिंग मैंने करवाई है। ठीक है भैया बढ़िया लग रहा है, गाड़ी तो साफ है, सीट वगैरह भी साफ है यार, मतलब गंदी नहीं हुई, कारीगरों ने काम करा है यहाँ पे। बट ये क्या है, ये एक पेज खुला हुआ लग रहा है, ये बोलते हैं कि हमारा ही है। यहाँ पे देखो ये जो स्पीड है ना, स्पीड देने वाला, उसके बराबर में एक पेच है जो खुला हुआ लग रहा है, एक बार वो देखो। के ये नट हर गाड़ी में होता है, एक्सयूवी में सब में, तो एक दूसरी एक्सयूवी खड़ी है, एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या पता इसमें भी हो। अच्छा हाँ 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 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है भाई ठीक है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपके पूरे 100 मार्क्स है भाई। ऐसी सर्विसिंग पे आओ ना तो छोटी छोटी चीजें दिखने लग जाती हैं, बट ठीक है सर्विस एकदम बढ़िया हुई है। ओके रिपोर्ट है ना आपके हिसाब से? ठीक है आपने चलाई भी थी? ठीक है ठीक है, निकलवा दो इसको, गेट पास मेरे पास आ चुका है, आ गया भाई। लोग ये देखो ये हमारे पास गेट पास आ चुका है, अब गेट पास में आगे देके गाड़ी निकलवाता हूँ सबसे पहले यहाँ से। अब पहाड़ों पे जाना है मेरे को, अब कोई दिक्कत तो नहीं देगी ना? बिल्कुल आप ड्राइव ओके रिपोर्ट कर दिया है रवि जी ने। इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना भाई अलग है, मतलब कोई और गाड़ी वो रोड प्रेजेंस दे ही नहीं सकती। पर यार गाड़ियां भरी हुई हैं, जगह ही नहीं है, पता नहीं कैसे निकलेगी। उधर भी गाड़ियां हैं, इधर भी गाड़ियां हैं, पीछे भी गाड़ियां हैं, पता नहीं कैसे जाएगा भाई। कंधे पे उठा के ले जाओ भैया, चल के तो नहीं जा पाएगी लग रही है। भाई मैं 24 घंटे बाद गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं ब्रियो चलाई है मैंने कल रात को, और मैं मतलब वो सीट आगे करनी है तो मैं नीचे झुक के वो लिवर ढूंढ रहा हूँ। मतलब 24 घंटे में मैं भूल गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक बटन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे होती है सीट, मैं नीचे लिवर ढूंढ रहा हूँ ब्रियो चला के। तो यार हम निकल रहे हैं यहाँ से, गेट पास अपने को मिल गया मस्त एकदम, और ये सामने है एग्जिट। फाइनली गाड़ी मिल चुकी है और हम बैठे अपनी XUV 700। भाई क्या खुशी की बात है यार, मतलब रुक जाओ यार, बहुत गर्मी बहुत है यार। मैं सच बताऊं यार, मैं मतलब एक चीज एक्सेप्ट करूं, रात को 3 घंटा मैंने ब्रियो चलाई, और अभी जब मैं सुबह गाड़ी में, अभी सुबह नहीं, अभी जो शाम हो रही है ना, शाम के अभी बज रहे हैं 5, अब जो मैं 5 बजे 24 घंटे बाद जब मैं अपनी XUV 700 में बैठ रहा हूँ ना भाई, मैं ऐसा लग रहा है बटन भूल गया हूँ। ब्रियो की तरह पहले सीट आगे पीछे कर रहा हूँ, लीवर ढूंढ रहा हूँ साइड में कि पीछे हो जाए, भाई भूल ही गया, मतलब एसी समझ ही नहीं आ रहा एसी कैसे चलाऊं। जैसे ब्रियो में टेम्परेचर और एयर फ्लो तेज करने के लिए नॉब है, मैं यहाँ पे नॉब घुमा रहा हूँ, यहाँ पे हवा तेज नहीं हो रही बट टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। भाई ब्रियो मतलब 3 घंटे चलाई और अपने XUV के सारे फीचर भूल गया मैं, बताओ कमाल ही हो गया है। यहाँ पे आने से पहले मैंने 1000 रुपए का तेल भरवाया था, एंड उसके बाद मेरे को कल पूरे दिन और आज सुबह से बार बार अपने फ़ोन पे एड्रेनॉक्स ऐप पे ना मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, योर व्हीकल हैज स्टार्टेड, योर व्हीकल हैज स्टॉप्ड, योर व्हीकल हैज स्टार्टेड, योर व्हीकल हैज स्टॉप्ड। तो अच्छा खासा टेस्ट ड्राइव ली गई है और अच्छे से देखा गया है, तो तेल तो है ही नहीं भाई, जो कल 1000 रुपये का तेल डलवाया वो तो भाई ख़त्म हो गया सर्विस में ही, तो अब सबसे पहले तेल डलवाते हैं यार।
बिल्कुल ही मतलब एज पे चल रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ना फ्यूम्स पे चल रही है इस टाइम पे, तेल है ही नहीं। अभी मैंने जहाँ से मैंने गाड़ी उठाई है सर्विस सेंटर से और पेट्रोल पंप तक करीब 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और अभी मेरे को चूचू की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, मतलब मजा आ गया। मजा जब से वो चूचू चल रहा था ना यार, बड़ा दिमाग खराब हो रखा था, बहुत ज्यादा दिमाग कि यार ये क्या चल रहा है यार, इतनी महंगी गाड़ी ली, 1000 किलोमीटर ही चली है, महीना भर ही हुआ है और चूचू चूचू बजे जा रही है। चल रहा है भाई, तेल बहुत पीती आ रही है गाड़ी, बहुत ज्यादा। तो जी तेल हमने डलवा लिया है, मेरी आदत है यार, मैं हमेशा ना फुल टैंक ही कराता हूँ, मैं 1000, 2000, 3000 कभी नहीं भराता। ब्रियो भी मैंने हमेशा फुल टैंक ही कराई है, जब भी तेल भरा रहा हूँ भाई एक ही बारी में भरवा के रख लो भाई, फुकना तो उतना ही है, गाड़ी तो उतनी चलेगी, तो क्यों बार बार 1000-1000 रुपए के लिए जाना यार पेट्रोल डलवाने के लिए। सेम मैं इसमें भी करता हूँ, मैं एक ही बारी में फुल टैंक कराता हूँ क्योंकि गाड़ी तो चलेगी। जब से निकला हूँ ना सर्विस सेंटर से गर्मी लग रही है, पसीना आ जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ यार एसी फुल पे चला दिया ठंड क्यों नहीं लग रही। अभी मैंने देखा भाई ब्लोअर जो थे ना वो ऑफ पड़े थे यार, मतलब भाई जब कटना होता है ना तो ऐसे ही कटता है फालतू की चीजों पे। मैं हवा तेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ तो ये जो ब्लोअर से यहीं से बंद हो रखे हैं डायरेक्टली। अब अच्छा लग रहा है भाई, वरना तो पसीने आ रखे थे यार अपनी, मतलब 22 लाख रुपए लगा के पसीने में जा रहा हूँ, बताओ यार क्या जिंदगी है। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी गाड़ी रोक दी है एक शांत सी जगह पे ताकि मैं तसल्ली से आप लोगों से बात कर पाऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, महिंद्रा का एक्सपीरियंस मेरा कैसा है, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपसे अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो रोकने के बाद मैंने अभी जो वीडियो शूट करी है गाड़ी की वो जस्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं जो एक महिंद्रा कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है महिंद्रा की, कोई भी गाड़ी, स्पेशली महिंद्रा XUV 700, तो हर बंदे को एक सवाल रहता है मन में जो मेरे को अभी तक था, क्योंकि मैंने गाड़ी खरीद ली है, खरीदने तक का डाउट क्लियर है, बट खरीदने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आफ्टर सेल्स, वो कैसा है महिंद्रा का, जो कि लोग बोलते हैं कि काफी खराब है। तो मैं वो बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या था मेरे साथ। मेरी गाड़ी XUV 700 है भाई, ये गाड़ी एक महीने के अंदर 1000 किलोमीटर चली, ठीक है। 1000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें एक महीने के अंदर राइट साइड ड्राइवर साइड में नीचे से कहीं जो यहाँ पे पैडल्स है ना वहां से एक स्प्रिंग की चूचू आवाज आनी शुरू हो गई थी। मतलब वो स्प्रिंग की थी क्या था वैसे नहीं पता, बट वो समझ आ रहा था कि कहीं तो किसी स्प्रिंग से आ रही है चूचू चूचू आवाज, जो कि बहुत ही हल्की सी आवाज थी, जो कि रिकॉर्ड भी नहीं होती कैमरे में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा भी नहीं, बट वो कॉन्टिन्यूस कान में फील होती थी और बहुत इरिटेटिंग लगती थी। अगर मैं म्यूजिक सिस्टम ऑफ रखता था ना या लो वॉल्यूम रखता था तो वो कान में कॉन्टिन्यूसली आती रहती थी और बहुत इरिटेटिंग लगती थी, साउंड इरिटेटिंग थी। प्लस जब आपने एक गाड़ी ली है यार 22.5 लाख की, लग्जरी कार में आती है ये, ठीक है, 22.5 लाख की गाड़ी ली, एक महीना हुआ है, 1000 किलोमीटर चली और ये आवाज आने लग जाए ना, तो यार वो आवाज और ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। तो कल जब महिंद्रा सर्विस सेंटर पे जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, तो उन्होंने वो साउंड सुनी और उन्होंने एक्नॉलेज करा कि हाँ आवाज आ रही है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ कि मेरा महिंद्रा का एक सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस मेरी गाड़ी ये पहली सर्विस थी एंड जब मैं शोरूम में गया तो यार वहाँ पे जो महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने भाई मेरे को बहुत अच्छे से हैंडल करा, मतलब बहुत ही पोलाइटली मेरे से बात करी सब ने। इनफैक्ट जो पानी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, वो भैया भी बहुत स्वीट थे, ठीक है, वो भी मतलब हर 5-5 मिनट में चाय देने आ जाते थे। मेरे को उनको बोलना पड़ गया भैया मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं पीता भाई, ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करा। जो गाड़ी की चूचू आवाज थी जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था वो उन्होंने तुरंत एक्नॉलेज करा, तुरंत एक्नॉलेज करके उन्होंने अपने सीनियर को एस्केलेट करा, सीनियर ने टेस्ट ड्राइव ली, उनको भी जब समझ नहीं आई कि कहाँ से ये आवाज आ रही है तो उन्होंने प्लांट लेवल पे एस्केलेट कर दिया तभी के तभी, और उन्होंने मेरे को बता दिया था कि गाड़ी एक दिन रखनी पड़ेगी क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ये क्लच पैनल से आवाज आ रही है, एंड वो पूरा पैनल खोल के उसको चेंज करके जो भी है वो करके चेक करेंगे, क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे कि कहाँ से आवाज आ रही है, अगर पैनल से नहीं होती तो कहीं और से आती। तो उन्होंने यार मेहनत करी, मेरे को पता चल रहा था जब मैं घर आ गया ना
तो ऐसा नहीं था कि वो लोग मैं चला गया तो गाड़ी में कुछ कर ही नहीं रहे। यार मेरे पास ना एड्रेनॉक्स ऐप की नोटिफिकेशन आती है, तो मेरे को पता चलता है हर नोटिफिकेशन की गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टॉप हुई है, गाड़ी की हेडलाइट चली है। तो यार मेरे को शाम 6:30 बजे तक नोटिफिकेशन आता रहा, और आज सुबह 10:30 बजे से नोटिफिकेशन मेरे को कॉन्टिन्यूसली 3 बजे तक आया, और 3 बजे के बाद मेरे पास महिंद्रा से कॉल आ गया था, सर आप आ जाइए, आपकी गाड़ी एकदम सेट हो गई है, एकदम टिच है। तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैं थोड़ा कल टेंशन में आ गया था कि यार नई गाड़ी में इतना पैसा लगाया है और ऐसी गाड़ी में अभी दिक्कत आ गई, पता नहीं यार ठीक होगा कि नहीं, बट यार मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं महिंद्रा से प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि यार अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा। सर्विस देखो यार, सर्विस फर्स्ट सर्विस थी, सर्विस इसमें कुछ होता नहीं है, नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गाड़ी में कोई दिक्कत है ही नहीं, जो एक दिक्कत चूचू की है वो मैंने उनको बताई दी थी, वो उन्होंने मेरे को आज सॉल्व करके दे दी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई महिंद्रा का कितना बिल आया मेरा फर्स्ट सर्विस का, क्योंकि गाड़ी में सर्विसिंग हुई है और वो जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो मैंने अभी आपको बताई नहीं ना, प्रॉब्लम अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ चलो आपको। तो यार इतनी बड़ी कहानी घुमा घुमा के एंड में ये पता चला, जो इसका क्लच पैनल था उसके जो बुशेस थे वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन की कमी थी, ल्यूब्रिकेशन की कमी की वजह से वो चू चू आवाज करने लगी थी वहाँ की स्प्रिंग। और ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया और आज सुबह भी मैं बता रहा था, जो मेरे को आवाज आ रही थी ना वो चू चू स्प्रिंग की आवाज लग रही थी, और वो फील हो रहा था कि कहीं किसी स्प्रिंग से ही आ रही है, कोई लूज आइटम नहीं है, कुछ टकरा नहीं रहा, वो स्प्रिंग की ही आवाज है। तो उन्होंने यही मेरे को बताया कि यार बुशेस का लुब्रिकेशन खराब था और वहीं से आवाज आ रही थी, तो छोटी सी समस्या थी, उन्होंने अच्छे से चेक करा, उनको प्रॉब्लम मिली, उन्होंने सही कर दिया, और मैं गाड़ी घर ले आया हूँ और मेरे को चूचू आवाज नहीं आ रही है। तो वो मेरे को घुमा तो नहीं रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली में रिजॉल्व करा है। तो भाई मैं एकदम संतुष्ट हूँ, भाई एकदम संतुष्ट, जय महिंद्रा। ठीक है, अब बात कर लेता सबसे इम्पोर्टेंट कि यार मैंने गाड़ी की सर्विस कराई है पहली, ठीक है, और मेरी गाड़ी में दिक्कत निकली है। तो उन्होंने जो 24 घंटे गाड़ी रखी तो भाई कितना पैसा ले लिया उन्होंने, कितना पैसा, मेरे पास ना एक्चुअली बिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को इनवॉइस दिया था मैंने साइन करके जब काउंटर पे दिया, उन्होंने मेरे को गेट पास दे दिया, मेरे को लगा वो मेरे को देंगे, तो मैंने ना वीडियो बनाई ना फोटो खींची, इसलिए भाई मैं दिल का सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने मेरे से 0 रुपए लिए, 0, एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि अभी गाड़ी है वारंटी में। पहली सर्विस, 3 सर्विस तो वैसे ही मुफ्त है, ना लेबर चार्ज ना कुछ चार्ज, पहली सर्विस में वैसे भी कुछ चीज बदलती नहीं है, तो कोई पैसा नहीं गया। जो प्रॉब्लम बुशेस में ल्यूब्रिकेशन की थी उसमें जो लेबर का 24 घंटा लगा है उसका भी कोई चार्ज नहीं, तो भाई मोटा मोटा मेरे 0 रुपए लगे, बस एक गेट पास मिला था, गेट पास की फोटो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास यही है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर मैंने पैसे दिए होते ना तो मैं खुश नहीं दिख रहा होता, और मैं महिंद्रा की तारीफ नहीं करता क्योंकि मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, मैंने बल्कि 22.5 लाख रुपए दे के गाड़ी ली है, ठीक है। तो मेरे को जुकाम हो रहा है यार, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से सब बताऊं। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि एक महिंद्रा की गाड़ी लेके उसके बाद रोना पड़ता है, पता नहीं शायद लोग रोते होंगे, मैं तो आपको सच बताऊं, मैंने एक होंडा की गाड़ी ले रखी है, मैं होंडा की सर्विस में भी रोया हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, 10 साल में मैंने वहां पे 20 सर्विस कराई हैं और मैं लिटरली 40% सर्विस में रोया हूं होंडा की, कि कभी ये टूट गया कभी वो टूटा, लिटरली ऐसा हुआ है। सर्विस के बाद सस्पेंशन से आवाज आने लग गई, अगले दिन लेके गया तो पता चला बोल्ट ढीले रह गए, एक सर्विस के बाद पावर विंडो काम करना बंद कर गया। तो यार मेरे को प्रॉब्लम होंडा की सर्विस में भी हुई है, पर टचवुड अभी तक महिंद्रा की मेरी जो पहली सर्विस थी, जो आफ्टर सेल्स आप लोग बोलते हो, सब लोग बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, एग्जीक्यूटिव्स ने बड़े अच्छे से ट्रीट करा, तो यार सब बहुत बढ़िया, सर्विस एकदम ए क्लास, गाड़ी की प्रॉब्लम समझना, उसको आइडेंटिफाई करना और ठीक करना एक नंबर। तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सोच रहे हो महिंद्रा की गाड़ी लेनी है तो मत सोचो, ले लो, ले ली है, अब मन में डर है आफ्टर सेल्स कैसा है, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अब महिंद्रा के बाकी शोरूम्स में क्या होता है भाई आई डोंट नो, अगर आपको लगता है अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई गाजियाबाद आके करा लो काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया काम हुआ मेरा, रवि सर का नंबर दे दूंगा, उन्हीं से बात कर लेना।
ठीक है जी, जुकाम हो रहा है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वैसे बहुत चपड़ चपड़ कर रहा हूँ, वीडियो में यही एंड कर रहा हूँ। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी, देख रहे हो यार मैं इतनी तबीयत खराब, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एनर्जी डाल रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल पे नए हो, पुराने हो पर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ओके, टाटा बाय।